के सिपत सामुदायिक भवन म सर्व आदिवासी समाज के द्वारा उत्साह उमंग और पारंपरिक वेशभूषा म सज संवर के विश्व आदिवासी दिवस मनाए गयी, जेमा दूरस्थ ग्रामीण अंचल ले समाज के लोगन पारंपरिक विशाल बाइक रैली के द्वारा सभा स्थल पहुंची। मौका में समाज के इष्ट देव बूढ़ा देव के पूजा अर्चना के बाद कर्मा ददरिया सुवा नृत्य में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा के छठा देखे मिली। ये दौरान मुख्य अतिथि के रूप में गोड़ महासभा खरौद राज परसाही नाला के सभापति परमेश्वर जगत शामिल हुई। उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक इंजीनियर रामेश्वर खरे, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष राम सिंह सिदार, उपाध्यक्ष प्रेम सागर मरकाम समेत अन्य अतिथि मन मौजूद रहीं। समाज ला संबोधित करत हुए पूर्व विधायक इंजीनियर रामेश्वर खरे ह कहिस के आदिवासी समाज सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप ले पिछड़ चुके हे, सरकार ला एकति ध्यान दिए के आवश्यकता है। एकर बाद इंडियन आर्मी में वर्तमान में सेवा देवत व्यक्ति के आदिवासी समाज ह साल श्रीफल ले सम्मान करीस। मौका में अन्य अतिथि समेत सबो सर्व आदिवासी समाज के लोगन उपस्थित रहे। साथ रैली के साथ मनाया जा रहा है और हम लोगों का यहाँ पर सांस्कृतिक जो आचार विचार व्यवहार है, और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज आज़ादी के 74 साल में हमारे साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ है वो बंद करें, अन्यथा जिस दिन आदिवासी अपने में आ गए तो ये सरकार उनको गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक शांतिपूर्वक समाज के लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, तो हम लोग जितने भी शासन प्रशासन में लोग हैं, वो चाहे बस्तर में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, चाहे सरगुजा में हो रहा है, और देख रहे हैं कि अन्य जिलों में भी हमारे साथ ऐसा अत्याचार अन्याय होता जा रहा है। के माध्यम से हम लोग शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आज हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार बलात्कार शोषण अनेक प्रकार के हो रहा है। आज सिलेकर कांड का कोई जांच नहीं हो रहा है, अन्य प्रकार का ऐसा है, तो हम लोग एक बार अवगत भी कराए हैं। 26 जुलाई को भूपेश बघेल जी को होश में आ जाएं, अल्टीमेटम भी दिया गया है 15 रोज का, अगर उसमें उनको सबक नहीं मिलता है, हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हम उग्र आंदोलन करके फिर रोड में आ जाएंगे। बेरा है छोटे से ब्रेक लेके आप मन देखत रहा न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।